हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरे चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग फंक्शंस ऑफ सी पर डिस्कस किया था, जिसमें मैलॉक, कैलॉक, फ्री फंक्शन, इन सब पर हमने डिस्कस किया था। कैरेक्टर स्ट्रिंग में एरे को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने ब्रीफ में देखा था। तो अब हम आगे इस वीडियो में इसके कुछ अलग नए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे सी में पॉइंटर्स क्या होते हैं, जिनको एरे में किस तरह से यूज़ किया जाता है, और सेकंड है हमारा रिकर्जन। इन दो टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे। सी में पॉइंटर, तो सबसे पहले होता है कि पॉइंटर होता क्या है, व्हाट इज़ पॉइंटर। इन रियल लाइफ पॉइंटर इज़ समथिंग दैट पॉइंट और इंडिकेट ए फिगर और ए पोजिशन। रियल लाइफ में क्या होता है पॉइंटर का मतलब कि हम क्या तो किसी पिक्चर या किसी डायग्राम को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं या किसी एक पोजिशन को हम पॉइंट कर रहे हैं, ये होता है। बट सम एज दिस, इसी तरह से कंप्यूटर में भी ऐसा ही कुछ होता है। क्या है देखेंगे। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी पर पॉइंटर इज़ ए वेरिएबल दैट इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल हम सी बेसिक्स ऑफ सी वाले वीडियो में वेरिएबल्स को हम पढ़ चुके हैं। वेरिएबल होता है जो क्या करता है पॉइंटर, ये एक दूसरे ऑब्जेक्ट का, अपने नेबर ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो होता है मेमोरी में, उसे अपने पास में कलेक्ट करता है, इंडिकेट करता है, उसे हमें बताता है। हाउ टू डिक्लेयर, अब हमें पॉइंटर कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, ये हम देखेंगे। डिक्लेरेशन एंड सिंटैक्स, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं। ए जनरल फॉर्म ऑफ डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग इज़, इसे सिंपल सा है डिक्लेयर करने का, डेटा टाइप। सबसे पहले हमें ये बताना है कि जो भी हमारा पॉइंटर है वो किस तरह का है, डेटा टाइप। डेटा टाइप इन द सेंस इंटीजर है, कैरेक्टर है, या फ्लॉट है, डबल है, किस तरह का हमारा पॉइंटर है, वो वाला हम डेटा टाइप यहाँ पर लिखेंगे। देन एस्ट्रिक्ट साइन, अभी मैं बताने वाली हूँ आपको कि एस्ट्रिक्ट साइन क्या होता है। देन पॉइंटर वेरिएबल, जो भी आपका पॉइंटर वेरिएबल है वो हम यहाँ पर राइट आउट करेंगे। डेटा टाइप मस्ट बी अ वैलिड सी डेटा टाइप एंड पॉइंटर वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। डेटा टाइप आपका जो सी का वैलिड डेटा टाइप होता है वो है, और यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल का नाम है। जो भी आप डेटा टाइप देंगे वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, मीन्स इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट में या डबल में होना चाहिए। देन द एस्ट्रिक्ट साइन इज यूज टू सिग्निफाई द वेरिएबल एज ए पॉइंटर वेरिएबल। एस्ट्रिक्ट साइन जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये पॉइंटर वेरिएबल को हमें पॉइंट आउट करता है। पॉइंटर जब भी हम यूज़ करेंगे वहाँ पर उसके साथ एस्ट्रिक्ट साइन को यूज़ करना होता है। हाउ टू डिक्लेयर, अभी हमने इसका इनिशियलाइजेशन देखा, सिंटैक्स देखा, अब हम देखेंगे कि इसे डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है। डेटा टाइप की जगह क्या हो जाएगा, हमने इंटीजर लिया है तो हमारा पॉइंटर किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का। इंटीजर कौन सी वैल्यूज़ होती हैं हमारी, सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, वो इंटीजर होता है। देन एस्ट्रिक्ट साइन, एस्ट्रिक्ट साइन क्या कर रहा है, हमारे पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंटर का नेम आ जाएगा। देन इट्स टर्मिनेटेड बाय द सेमी कॉलन, अगर आप सेमी कॉलन नहीं यूज़ करेंगे देन प्रोग्राम गिव द एरर। ओके फाइन, देन द डिक्लेरेशन हियर सिंपली मीन्स दैट आवर डिक्लेयर पॉइंटर हियर विल होल्ड द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वैल्यू। ये जो हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन किया है इसका मतलब क्या है, जो हमारा पॉइंटर है वो किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर रहा है एड्रेस के रूप में, इंटीजर, जो हमेशा न्यूमेरिक में होगी क्योंकि हमने यहाँ पर उसे इंटीजर पॉइंट आउट पहले से ही कर दिया है। ऑन द सेम वे फॉर अदर डेटा टाइप लाइक फ्लॉट, कैर, डबल, वी कैन राइट। फ्लॉट, कैरेक्टर और डबल के लिए हम किस तरह से इसे राइट करेंगे, इंटीजर के लिए हमने इंटीजर यूज़ कर लिया यहाँ पर, फ्लॉट के लिए हम फ्लॉट। एस्ट्रिक साइन यूज़ करना आपको कंपलसरी है पॉइंटर की लैंग्वेज में।
तो पॉइंटर नेम यहाँ पर जो भी हम देंगे वो आ जाएगा। सेमी कोलन के साथ आपको इसके टर्मिनेट करना कंपलसरी है। कैर, तो अगर आपने यहाँ फ्लॉट लिख लिया तो मतलब ये जो आपका पॉइंटर है, जो पॉइंटर वेरिएबल है, वो किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर रहा है? फ्लोटिंग वेरिएबल्स को। फ्लोटिंग वैल्यूज़ कौन सी होती हैं हमारी? जो पॉइंटिंग वैल्यूज़ होती हैं। देन कैरेक्टर, जो अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमारा पॉइंटर क्या करेगा? होल्ड करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? देन पॉइंटर ऑपरेटर्स। अब इसके पॉइंटर्स के साथ में हम कुछ साइन यूज़ करते हैं, वो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं ये हम देखेंगे। अभी हमने देखा था एस्ट्रिक साइन, अब हम देखेंगे एक एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर को हम इस तरह से लिखते हैं, ये वाला साइन हम यूज़ करते हैं, तो ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर होता है ये। द एड्रेस ऑपरेटर इज एन यूनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ इट्स ऑपरेंड। अब ये क्या करेगा, ये जो साइन है ये हमें एड्रेस रिटर्न करता है। किसका? ऑपरेंड्स का। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जैसे ए प्लस बी इक्वस टू सी है, तो ए और बी क्या हैं हमारे? ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल इफ़ एक्स इज़ ए वेरिएबल, एग्जांपल के लिए देखते हैं हम, एक्स हमारे पास में एक वेरिएबल है, देन एड्रेस ऑफ एक्स हमने ऐसे लिखा है इसको, इट मीन्स इट्स एड्रेस एंड इट शुड बी रीड एज द एड्रेस ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, हम इसे कैसे रीड करेंगे? द एड्रेस ऑफ एक्स। इसे एड्रेस ऑफ ही बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर के अंदर आता है ये, और इस साइन को हम एड्रेस ऑफ बोलते हैं। सो ये क्या हो गया हमारा, द एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स के एड्रेस को स्टोर कर रहा है ये। देन इन डायरेक्शन ऑपरेटर एस्ट्रिक साइन, द एस्ट्रिक ऑपरेटर इज ए यूनरी ऑपरेटर, दिस इज ऑल्सो ए यूनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लोकेटेड एट द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय इट्स ऑपरेट। अब क्या करेगा ये, हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है वेरिएबल की जहाँ पर वो लोकेटेड हैं। इंडेक्स होती है हमारी एरे में, एरे में हमने हर एक आइटम को या एलिमेंट को हमने इंडेक्स में लिखा है। इंडेक्स हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो वो जो इंडेक्स का एड्रेस है वो किस एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर हमारा एलिमेंट लोकेटेड है वो हमें ये पॉइंटर पॉइंट आउट करता है। और किसका? ऑपरेंड का। ऑपरेंड अभी मैंने बताया था, जैसे हमारे पास में 7 एलिमेंट्स हैं या जितने भी हम मान लो ले सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग 7, 8, 9, 10 जो भी हमने ऑपरेंड्स लिए, तो हमने उसमें एक जैसे एलिमेंट ले लिया, 4 नंबर का एलिमेंट लिया हमने, 4 नंबर का ऑपरेंड ले लिया, उसका एड्रेस हमें कौन बताएगा? एस्ट्रिक साइन उसे ये लोकेटेड कर देता है। और पॉइंटर आपको पता ही है कि जैसे अभी मैंने बताया पॉइंट करता है किसी भी एड्रेस की जो मेमोरी लोकेशन है एलिमेंट की, उसके एड्रेस को ये पॉइंट आउट करता है। तो ये हमें यहाँ पर वेरिएबल को लोकेटेड, जिस एड्रेस पर वो लोकेट है, जिस एड्रेस पे उसकी लोकेशन है, वो हमें ये बताता है। अब आता है हमारा नल पॉइंटर। नल पॉइंटर, नल पॉइंटर इज अ पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग टू नथिंग। ये क्या हुआ कि ये कुछ भी बताता ही नहीं है, कोई चीज़ पॉइंट ही नहीं करता, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दिस इज द बिग क्वेश्चन। सो व्हेन ए पॉइंटर इज डिक्लेयर बट नॉट इन इट्स लाइफ। अब क्या होता है, हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर तो कर लिया हमारे प्रोग्राम में बट हमने उसे इनिशलाइज नहीं किया, सो क्या करेगा वो? इट पॉइंट टू सम गार्बेज वैल्यू। ये क्या करेगा, किसी गार्बेज वैल्यू को क्या करेगा? पॉइंट आउट करेगा। अब गार्बेज वैल्यू क्या होती है? वेरिएबल होते हैं ना हमारे जो भी हमारे प्रोग्राम में, वो हर जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, मेमोरी रिजर्व करते हैं हमेशा। अगर आपने प्रोग्राम में वेरिएबल लिख दिया तो उसने मेमोरी ले ली है अपनी, अपने आप वो अपने मेमोरी में चले जाते हैं। बट कई बार क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वेरिएबल अलोकेट तो हो जाते हैं बट उन्हें हम किसी तरह की कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तो ये क्या करते हैं, गार्बेज वैल्यू होल्ड कर लेते हैं, तो उसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर में जो ये इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं ये क्या करते हैं, रैंडम पीस ऑफ मेमोरी अपने पास में रखते हैं। इतनी ज़्यादा तो नहीं रखते क्योंकि हमने इनिशियलाइज तो हमने नहीं किया ही नहीं, इनिशियलाइज करने के बाद तो ये एक पर्टिकुलर मेमोरी ले लेते हैं बट हमने केवल इनको डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने के बाद ये क्या करते हैं, छोटा सा एक हिस्सा अपनी अपनी कंप्यूटर मेमोरी में बना
लेते हैं, तो ये होती है आपकी गार्बेज वैल्यू। समटाइम्स अब नल पॉइंटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, समटाइम्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोग्रामिंग सम पॉइंटर्स आर नीडेड विच नाइदर शुड नॉट पॉइंट टू एनीथिंग नॉर शुड कंटेन गार्बेज। अब क्या होता है पॉइंट इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि कई बार कुछ पॉइंटर्स ऐसे होते हैं ये ना तो हमें कुछ पॉइंट आउट करते हैं और ना ही कोई गार्बेज वैल्यू को कलेक्ट करते हैं। इस कंडीशन में हमें नल पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह के केसेस में हमें नल पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। नल पॉइंटर वैसे तो कुछ नहीं होता बट अपनी जो मेमोरी जो होती है उसकी लोकेशन को ये इंडिकेट करता है और गार्बेज वैल्यू को भी कलेक्ट नहीं करता, ये हमेशा नल वैल्यू को स्टोर करता है। ए नल पॉइंटर इज ए स्पेशल रिजर्व वैल्यू, और हमेशा एक रिजर्व वैल्यू को स्पेशल रिजर्व वैल्यू को अपने अंदर होल्ड करता है। जो ये जो नल पॉइंटर होता है ये एक हमारी हेडर फाइल होती है stdef.h हेडर फाइल, इसके अंदर ये हमें मिलता है, और stdio.h stdlib.h और alloc.h इन हेडर फाइल में हमें नल को हमने डिफाइन किया हुआ है। तो जब भी हमें नल पॉइंटर हमारे प्रोग्राम में यूज़ करना होता है तो ये जो हमारी हेडर फाइल्स हैं इन्हें हमें हमारे प्रोग्राम में यूज़ करना कंपलसरी होगा। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट, सो डिक्लेयरिंग नल, अब नल को कैसे डिक्लेयर करेंगे हम, इस टाइप की जब हमारे पास में कंडीशन आ जाती है तो हम नल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, नल को करेंगे इंट, क्योंकि हमने पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का ही लिया था हमारा, तो नल पॉइंटर भी हम इंटीजर ही ले रहे हैं यहाँ पर, इंटीजर एस्ट्रिक साइन पीटीआर, पीटीआर यहाँ पर किसे इंडिकेट कर रहा है, पॉइंटर को, इक्वल्स टू नल। अब जो भी हम पॉइंटर का नाम देंगे वो हमारा एक तो होगा इंटीजर टाइप का, सेकंड वो क्या होगा हमारा नल, नल टाइप की वैल्यू होगी उसकी, और उसे टर्मिनेटेड हम हमेशा सेमीकोलन से करेंगे। अब हमारा सेकंड आता है इसमें टॉपिक रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, किसी फंक्शन को बार बार रिपीट करना। रिकर्जन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग आइटम्स इन ए सेल्फ सिमिलर वे, एक जैसे वे में उसे बार बार किसी आइटम को रिपीट करना क्या कहलाता है, रिकर्जन कहलाता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ ए प्रोग्राम अलाउ यू टू कॉल ए फंक्शन इनसाइड द सेम फंक्शन, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो फंक्शन के अंदर ही सेम फंक्शन को क्या करता है, कॉल करने की हमें परमिशन दे देता है। देन इट इज़ ए कॉल ए रिकर्सिव कॉल ऑफ द फंक्शन, और इसे हम क्या करते हैं, रिकर्सिव कॉल, उस फंक्शन का रिकर्सिव कॉल कहते हैं। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट रिकर्जन, जो भी हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो रिकर्जन को सपोर्ट करती है, उसके अंदर क्या होता है, फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ, फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, जब भी प्रोग्राम में उस फंक्शन की नीडेड होती है वो अपने आप ही सेल्फ कॉल करता रहता है। जैसे हम यहाँ पर एक डायग्राम से समझेंगे, यहाँ पर लिखा void recurse, ये रिकर्स हमने एक फंक्शन बनाया है, मैंने आपको पहले भी बताया है जिस भी वर्ड के आगे हम एक पेयर ऑफ ब्रैकेट लगा देते हैं वो मोस्ट ऑफ क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, इसमें कर्ली ब्रेसेस में मैंने एक अंदर फिर से यही रिकर्स फंक्शन लिखा है, तो जब इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये क्या करेगा, ये जो वॉइड वाला मेन फंक्शन है ये क्या करेगा, इसे कॉल करेगा। फिर मैंने क्या किया, एक इंट मेन लिया है यहाँ पर, मेन फंक्शन जब भी हमारा कंपाइलर हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, मेन फंक्शन को सर्च करता है, तो मेन फंक्शन के अंदर फिर से मैंने एक रिकर्स फंक्शन बना लिया, तो जो हमारा मेन फंक्शन है वो भी रिकर्स है, बॉडी के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया है वो भी रिकर्स है, और जो मेन के अंदर बनाया है वो भी रिकर्स है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं। सो ये होता है हमारा रिकर्जन। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट रिकर्जन, अभी हमने देखा कि प्रोग्रामिंग जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें रिकर्जन सपोर्ट कर रहा है, जिसके अंदर प्रोग्राम खुद को ही अपने आप को वापस से कॉल कर रहा है। बट होता क्या है, बट व्हाइल यूजिंग रिकर्जन
programmers need to be careful to define an exit condition from the function, otherwise it will go into an infinite loop. अब क्या होता है कि आप recursion तो use कर रहे हो, आपको C programming जो भी आप language use कर रहे हो उस language में आपको permission दे दी कि आप recursion अपने program में use कर सकते हैं, but हमें कुछ ऐसी एक चीज़ है जिसे हमें ध्यान में रखना होता है कि recursion use करते समय हमें, हम कौन है, programmers, हम बना रहे हैं program तो हम हो गए programmers को careful होना चाहिए कि हमें हमारे प्रोग्राम में एक एग्जिट कंडीशन यूज़ करनी है ताकि हम उससे बाहर आ जाएं, उस कंडीशन से, लूप से बाहर आ जाएं, अदरवाइज़ क्या होगा, वो फंक्शन को फिनिश करने के लिए हमें एक एग्जिट कंडीशन लगानी होगी. जो भी फंक्शन हमने रिकर्जन में यूज़ किया है बार 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 चलने के लिए, तो उस कंडीशन के एग्जिट कंडीशन से क्या होगा, एक वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद हम उससे बाहर आ जाएं. अगर नहीं आए अदरवाइज़ तो क्या होगा, हम इनफिनाइट लूप में चले जाते हैं. इनफिनाइट लूप का मतलब होता है कि वो चलता ही रहेगा, कभी स्टॉप ही नहीं होगा. रिकर्जन का मतलब ये हो गया. तो हमें उसके लिए एक एग्जिट कंडीशन वहाँ पर मेंशन करनी होगी. सो रिकर्जिव फंक्शंस आर वेरी यूजफुल टू सॉल्व मैनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. अब रिकर्जन का यूज़ कहाँ पर होता है, जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए रिकर्जन का यूज़ किया जाता है. सच एज कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना, या फिबोनाची सीरीज जनरेट करना. इनके हम सी इम्प्लीमेंटेशन भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिबोनाची सीरीज आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत बार आ जाता है, इसका सी इम्प्लीमेंटेशन, तो ये तो हम प्रैक्टिकल टाइम पर देखेंगे. बट फैक्टोरियल नंबर क्या होता है और फिबोनाची सीरीज होता क्या है ये हम देखेंगे. फैक्टोरियल नंबर का एक एग्जाम्पल है, जैसे रिटर्न एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला है. तो इसके अंदर हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिटर्न फाइव इंटू फैक्ट फोर. अब फाइव फैक्टोरियल निकालना है हमें, फोर इक्वल्स टू 120 आया. कैसे आया 120, तो फैक्टोरियल ऑफ फाइव होगा हमारा सी, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. अब ये माइनस वन हो रहा है यहाँ पर, एन की वैल्यू क्या हो रही है, एन की वैल्यू हमारी फाइव है, तो और यहाँ पर हमें फैक्टोरियल निकालना है, वो वाला नंबर आ जाएगा हमारा, और एन की वैल्यू फाइव माइनस वन होती जाएगी. तो एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर फाइव माइनस वन हो रही है, फोर आया माइनस फाइव में से वन माइनस करने पर पहले फोर आया, फिर हमने फोर में से वन माइनस किया तो हमारा थ्री आया, थ्री में से हमने वन माइनस किया तो टू आया, इस तरह से. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी, 62 जा 120 और 120 वन जा 120, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 120 आया. इस तरह से हम क्या करेंगे, इन सभी स्टेप्स को सॉल्व करेंगे. सेकंड स्टेप में क्या हो गया हमारा, 4 है, इसका 3 फैक्टर निकालना है हमको, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 24 आया. हाउ, कैसे आया ये 4, n की वैल्यू अब हमारी क्या हो गई है, 4 हो गई है, तो 4 इंटू 3, 4 माइनस 1 किया तो यहाँ पर 3 आ गया, माइनस 1 किया तो 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 24 आंसर आ गया. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 इंटू 2, n की वैल्यू हमारी चेंज हो गई है, 3 हो गई यहाँ पर, 3 माइनस वन किया तो टू हो गया, टू में से माइनस वन किया यहाँ पर हमारा वन आ गया, तो थ्री इंटू सिक्स, और थ्री टू ज़ा सिक्स, और सिक्स वन ज़ा सिक्स, इस तरह से हमारे यहाँ पर सिक्स आ गया. फोर्थ स्टेप में टू फैक्ट वन, टू इंटू वन, तो हमारा टू आंसर आ गया. फिफ्थ स्टेप में वन इंटू ज़ीरो, तो इस तरह से हमारा वन इंटू वन में वन का आंसर आ गया. इस तरह से हम फैक्टोरियल नंबर निकालते हैं. अब ये तो हमारा इजी सा वे था, हमने फटाफट यहाँ पर निकाल लिया, बट जब हम इसका सी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है. इसके लिए हम रिकर्जन यूज़ करते हैं, उसे थोड़ा इजी बनाने के लिए हम रिकर्जन यूज़ करते हैं. ये जो चीज़ हमारी माइनस वन वाली बार बार रिपीट हो रही है, तो उसमें हम एक लूप चला देते हैं, इनफिनाइट लूप चला देते हैं, जिससे कि वो एक कंडीशन तक चलता जाता है, और जैसे ही कंडीशन फुलफिल होती है हम उससे बाहर आ जाते हैं और हमें आंसर मिल जाता है. नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे
कि फिबोनाची सीरीज को कैसे जनरेट किया जाता है। इस पर क्वेश्चन आता है फिबोनाची सीरीज पर, चाहे वो प्रैक्टिकल में आए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आए 12th के, या फिर थ्योरी पेपर में आए। और आपको पता भी होना चाहिए फिबोनाची सीरीज होती क्या है और कैसे बनती है। तो हाउ टू जनरेट, अभी हमने कुछ नंबर्स लिए हैं यहाँ पर, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 30, ये हमने एक नंबर ले लिया। अब इससे हम समझेंगे, जो ज़ीरो है हमारा वो हमारा फर्स्ट नंबर है, जो ये वाला वन है हमारा सेकंड नंबर है, और जो दूसरा वाला वन है ये हमारा नेक्स्ट नंबर है। अब क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, नेक्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड। नेक्स्ट नंबर हमारा कब आएगा, जब हम फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। सी देखो यहाँ पर, ज़ीरो और प्लस वन, वन किया तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया वन। अब हम वन, अब हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए क्या हो गया, वन हमारा फर्स्ट हो गया और ये वाला वन हमारा सेकंड हो गया, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टू। अब इन दोनों को हम, वन और टू को हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा थ्री, टू और थ्री को हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा फाइव। इस तरह से ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब चीज़ रिपीट हो रही है, फर्स्ट सेकेंड नेक्स्ट हमारा रिपीट हो रहा है, इंडेक्स चेंज हो रही है, जगह चेंज हो रही है। इस तरह से ये जो रिपीटेशन होता है इसके लिए हम रिकर्जन यूज़ करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? तो अब हम एक फिबोनाची सीरीज क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे, जनरेटिंग फिबोनाची सीरीज, ऐसे द फिबोनाची सीक्वेंस। हमने ये फिबोनाची सीरीज किया है, देखो कैसे किया, पहले मैंने किया वन प्लस वन, क्योंकि हमने यहाँ पर वन प्लस वन दिया है, ये वन प्लस वन किया तो हमारा आ गया टू। अब वन और टू को किया तो हमारा आ गया थ्री, फिर टू प्लस थ्री को किया नेक्स्ट नंबर आ गया हमारा फाइव, फिर थ्री और फाइव को ऐड किया एट। कहने का मतलब ये है कि पीछे वाले जो दो नंबर होते हैं उनका जो एडिशन होता है उससे हमारा नया नंबर जनरेट होता है, मतलब नेक्स्ट नंबर हमारा जनरेट होता है। इस तरह से हम इसको पीछे वाले बैक जो नंबर है हमारे दो उनको प्लस करते जाएंगे और हम एक नया नंबर हमारे साथ फिबोनाची सीरीज में ऐड करते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास में 377 तक की हमारी एक फिबोनाची सीरीज जनरेट हो जाती है। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड वाला नंबर प्लस होके हमारा एक नया नंबर मिल रहा है हमको नेक्स्ट। तो ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। कब तक रिपीट हो रही है, जब तक हमें 377 नहीं मिल जाता। ये आगे भी चल सकती है, आगे भी हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हमारे पास क्वेश्चन यही है कि वन से लेके हमें 377 तक हमें एक फिबोनाची सीक्वेंस क्रिएट करना है। तो हमने क्या किया, वन से स्टार्ट किया, जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, वन से स्टार्ट किया, वन से स्टार्ट करने के बाद में पीछे वाले दो नंबर को हम ऐड करते जाएंगे तो ताकि हमारा थर्ड नंबर हमें मिलता जाएगा। इस तरह से आपकी फिबोनाची सीरीज क्रिएट हो जाती है। थैंक यू।